हमें तो ये लग रहा था कि रानी की वीर से शादी हो गई, मतलब कुलदेवी के मंदिर में वीर ने मांग भर दी थी ना उसकी, तो शादी हो गई ना, तो इसी के साथ रानी सच में रानी बन जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा हुआ, रानी के चक्कर में वीर अब बेघर हो जाएगा। निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। वीर ने रानी के साथ किया गृह प्रवेश, लेकिन ये गृह प्रवेश ऐसा है जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा या सोचा होगा। ये दो फौड़ी नौकरानी को कभी नहीं अपनाएंगे, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यूँ तो दुल्हनिया को बड़े चाव से घर में लेकर आते हैं, लेकिन रानी का नसीब उससे दो कदम आगे ही चलता है। घर में आते ही घर से धक्के देकर बाहर निकाला गया। क्लास का टशन है, सो यू नो अगर हम उसे घर के अंदर आने नहीं देंगे तो बार बार हम इस बात को यू नो कैसे दोहराएंगे कि क्लास डिफरेंस है और मैं उसे कभी भी अपनाऊंगी नहीं। एंड नेचुरली मेरे जहन में यही है कि हम अपर क्लास है और वो कभी मतलब घर की बहू नहीं बन पाएगी, तो वो तो तय है मेरे मन में। और आई थिंक ये बात चाहे राजमाता ने आज तो मुझे रोक दिया है फिजिकली, लेकिन मेंटली मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी बराबर से पीसता है। अब जब वीर ने रानी के साथ शादी करने की गुस्ताखी की है तो उसे भी सजा तो बराबर मिलेगी ना। रानी को जैसे धक्का मार कर बाहर निकाला गया, ठीक उसी तरह वीर को भी रानी सा ने धक्का मार कर घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। लेकिन ये संगीन सीन इन सब के लिए पर्दे के पीछे हंसी का कारण बन गया। लेटे लेटे रानी और वीर को याद आया क्यों क्यों ना घर में गाने का स्टेप किया जाए, और उसके बाद पर्दे के पीछे जैसे ही शॉर्टकट हुआ उनका ढोल के म्यूजिक पर डांस भी शुरू हो गया। यार जितने भी इंटेंस यू नो बीच में कट के बाद तो मूड लाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप उस जोन में चले जाओगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है। एज एन एक्टर कैरेक्टर आपका भले ही जितना भी लो इन एनर्जी हो, आप एज एन एक्टर यू कैन नॉट बी लो। सो इन बिटवीन टेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी को वापस ले आओ, हंसते खेलते रहो, मस्ती करते रहो सेट पे, ताकि सबका एनर्जी बने रहे, वरना जब लो हो जाती है एनर्जी तो सब लो हो जाते हैं। उसके बाद फिर हेडेक होने लगता है, स्पेशली मेरा कैरेक्टर जो है जो बार बार वही यू नो दोहराती रहती है कि बाहर निकलो, ये है यू नो तुम्हारा ये क्लास ही नहीं है। आई मीन इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें अगर एक साथ तुम 4-5 घंटे लगातार बोलती रहते हो तो इट डज़ हैव एन इफेक्ट। आई नो कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं बट इट डज़ हैव एन इफेक्ट यू नो, सो आई जस्ट हैव टू कम्प्लीटली डी स्ट्रेस एंड गेट बैक समटाइम्स, तो दैट रियली हेल्प्स। वो 5 दिन से मैं रो ही रही हूँ, सो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है हंसना बीच बीच में, क्योंकि आंखें सूज गई है मेरी। इसी के साथ साथ कई और ढेर सारे पर्दे के पीछे के नज़ारे भी देखने मिले। खैर पर्दे के पीछे के मस्ती के साथ साथ सीन में भी काफी सारा मसाला था। रानी और वीर को धक्का देने से पहले रानी सा ने खूब खरी खोटी सुनाई, ऐसे ऐसे ताने मारे जिनके लिए रानी सा को ताना क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए। या आई गेस इसी तरह ही तो कहानी आगे बढ़ेगी अगर हम मेन लीड को घर के अंदर नहीं आने देंगे तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। सो या लेकिन जो मैं चाहती हूँ यस ऑब्वियसली वो आज नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैं और भी सारे बहुत सारी तरकीबें ढूंढ लूँगी।
इतना कुछ तो निकल आएगा रानी साहब के मन में जिससे ये वापस तकलीफ में आ ही जाएगी। गड़बड़ तो करती रहती है रानी, लेकिन अब शायद दुगना हो जाएगा विद रानी साहब कॉन्ट्रीब्यूशन। महारानी साहब ने तो रानी साहब को फिलहाल के लिए रोक लिया है, लेकिन घर में रानी साहब रानी और वीर का क्या क्या हशन करेगी वो भी हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।